दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और इस वक्त आप जानते हैं कि मैं बनारस में मौजूद हूँ। पिछले 2 दिन से हम बनारस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसमें मैं विद्यापीठ में इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है और लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, एक तो महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाएँ भी हैं, कि कैसा है माहौल, क्या होने जा रहा है इस चुनाव में। चुनाव बेहद करीब है क्योंकि लगातार युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार जवाब दे पा रही है युवाओं को, रोजगारी पे, महंगाई पर, शिक्षा पर, और प्लस में जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर। क्या नाम है आपका? क्या नूर फातिमा। माहौल चल रहा है यूपी में? कैसा माहौल है यूपी का लड़कियों के लिए? आप चाहे यूपी की बात करें चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं ढीला है। नाकामी है सरकार की। जी ठीक है, और दोबारा और भी बात करेंगे आपके। सर आपका? मेरा नाम बिमलेश यादव है। क्या कमी दिख रही है सरकार में? सबसे बड़ी कमी की अभी बनारस की घटना है। 3 दिन पहले एक क्लास 3 की बच्ची थी जिसके साथ रेप किया गया, और जो जिस संस्थान में वो पढ़ती थी उस संस्थान का नाम नहीं आया। हम लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया, और ये सरकार, जो भी सरकार है, जो भी सरकारें आई हैं, महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। जी ने पीछे अलीगढ़ में भाषण दिया था, वो तो इस बात को कह रहे थे कि पहले तो गाय, बैल, भैंस भी सुरक्षित नहीं थे, अब तो लड़कियां, बहन बेटियां जेवर पहन के निकल सकती हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। महिलाएं कहाँ सुरक्षित? संसदीय क्षेत्र में बताइए, जो देश का प्रधानमंत्री, यहाँ का देश का प्रधानमंत्री है, वहाँ पे ऐसी घटना होगी तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है? और जगह की बात छोड़ दीजिए तो संसदीय क्षेत्र, यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब बनारस एक वो है, इस तरह की घटना अगर बनारस में होती है तो कितना निंदनीय बात है, और सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल रही है, और हमको नहीं लगता है कुछ उसमें मेरे साथ एक और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। आज मेरा पहला क्वेश्चन यही है, डू यू फील सेफ इन यूपी? मेरा जब बंगाल में था, मेरा तब भी यही महिलाओं से क्वेश्चन था, बंगाल चुनाव थे, तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, डू यू फील सेफ? नहीं सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेफ है ही नहीं, हम भी बाहर निकल रहे हैं। मेरी मम्मी भी 3 बार 4 बार फोन करके पूछती है कि अच्छा घर लौट आओगी कि नहीं। अभी फिलहाल में जो ये घटना हुई है, संबीम की घटना, यहाँ की मम्मी लोग सुन के और चिंतित हो गई है। घर से निकलते ही अब वो हो जाता है कि हाँ उनकी बेटी के साथ हो गया तो कहीं मेरी बेटी के भी साथ ना घट जाए, इसीलिए मम्मी भी 3-4 बार फोन करके। लेकिन हम लोग अगर अपने से भी, अपने आप को खुद से सुरक्षित करना चाहें तो हम लोग के भी अंदर अगर हम लोग पुरुषों का सामना करें तो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग उसके लिए हम लोग को ताइक्वांडो ये सब सीखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग के समाज में ये सब चल रहा है, इसीलिए लड़कियों को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मांग यही सरकार से है कि जो भी ऐसे बलात्कारी घटना हो रही है उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए, ऐसे सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। क्या करेंगे? युवा है, अब महिलाएं हैं, कि इस बार चुनाव बेहद करीब है, सरकार से उम्मीद दिख रही है कुछ या बदलाव दिख रहा है सरकार? नहीं, बदलाव तो हमें तो अभी कुछ फिलहाल दिखी नहीं, अगर बदलाव होता तो ऐसी घटना ही नहीं घटती। आप बताइए सर, क्या कमी रह गई है योगी सरकार में? सरकार, मेरा सवाल सुनिए, योगी सरकार कह रही है भाई हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, सरकार कह रही है हमने गड्ढा मुक्त यूपी बना दिया, फिलहाल तो यूपी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सुरक्षा, पहले जानवर सुरक्षित रही थे अब इंसान भी सुरक्षित है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, इतना सब कुछ कह रही है सरकार, फिर भी क्या कमी रहेगी? अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? आपका शशि प्रकाश चंदन, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ जी। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ये यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, पहला चीज। और दूसरी चीज ये कि आप बोल रहे हैं कि ये सरकार से संतुष्ट है या नहीं, और हम लोग यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जब गाड़ी में जब तेल ख़त्म हो जाता है तब हम लोग को 200 रुपये और क्या कहते हैं कि 115 रुपये और 108 रुपये लीटर पेट्रोल भरवा करके हम लोग यहाँ तक स्टूडेंट आते हैं, और यहाँ इस 94 कर दिया में, सुनिए, 95 कर दिया ना इस विश्वविद्यालय में, यही नहीं बाकी गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, बड़े बड़े जगह से दूर दूर के दूर दूर जगह से लोग आते हैं, और सभी त्रस्त हैं यहाँ, किराया से लेकर के, बस की किराया से लेकर के पेट्रोल पेट्रोल इतना महंगा है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं? बस रोजगार। हम लोग क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं और महंगाई कम हो, ये चाहते हैं। अगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से सैलरी नहीं बढ़ रही दूसरे की, मतलब आम लोगों की, और नौकरियां ही नहीं तो महंगाई बढ़ाने का क्या मतलब है? आप लोगों, आप ये बताइए कि नौकरियां नहीं है, महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं ये लोग? जी सर, नीरज जी, हमने सुन लिया आपका नाम पहले, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ी है। नीरज जी, ये तो या छात्र यहाँ पर नाराज़ हैं, लेकिन सरकार कह रही है हमने तो बहुत कुछ कर दिया देश के लिए, जितना हमने करा है उतना कभी कोई कर ही नहीं पाया।
सरकार की ही अगर हो सकता है इन छात्रों को नहीं पता हो सकता है ये लोग किसी और मानसिकता से पीड़ित हों तो लोग सरकार की आलोचना करेंगे। अब नई शिक्षा नीति सरकार ने लाया, सरकार की बहुत सारी रोजगार परक योजनाएं चल रही हैं युवाओं के लिए। सरकार स्वरोजगार की बात करी, सरकार लोगों को स्व का बोध करा रहा और सरकार लोगों को स्वावलंबी युवाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कर रही न कि सरकार बात कर रही है करेगी कब कर रही है कर सरकार की आप योजनाओं को देखिए। सरकार का जो भी योजना है सरकार कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार परक बना रही। सरकार की बहुत सारी योजनाएं अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीपी की एसआई की सबसे अधिक भर्ती कराने वाली अब तक की यही सरकार रही है और बहुत सारी रोजगार परक। यूपी सरकार में सिर्फ यूपी पुलिस के अलावा कोई भर्ती नहीं हुई है, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। आप किस बेस पे कह रहे हैं अभी सरकारी आंकड़े के बेस पे? शिक्षकों की भर्ती हुई है किसने कराया? शिक्षकों की भर्ती सॉरी अभी रिसेंटली हुई है। वो शिक्षा मित्र इसीलिए कह रहे हैं कि भाई वैकेंसी नहीं है, मतलब उनको कम्प्लीटली फाइनल नहीं किया जा रहा। तो शिक्षा मित्रों किस बेसिस पे आप फाइनल करेंगे? आज टीचर पढ़ लिख के जब वहाँ पे अपना नौकरी पाया है तो उनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि आप बच्चों को उनको पढ़ाने के लिए भेज देंगे? वो किस बेसिस पे धरना दे रहे हैं? इसी बेसिस पे धरना दे रहे हैं कि भाई हमें तो क्वालिफिकेशन है टीचर बनने की। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, सवाल यही है कि महंगाई बेरोजगारी से परेशान है लोग, परेशान है कि आप परेशान हैं? आप बताइए पहले। परेशान तो जब पहले भी नहीं थे, है कि आप किसी सरकार के नुमाइंदे बन के यहाँ पे सर्वे करने आए हुए हैं? ये बताइए लोग, आप मेरे महंगाई बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं या नहीं है? नहीं, लोगों की आय के अनुसार महंगाई बेरोजगारी नहीं है, आय में भी वृद्धि हुई है। कितने को लगता है महंगाई बेरोजगारी है या नहीं? पहले मैं बड़े भैया से पूछना चाहूँगा कि पहले पेट्रोल का दाम क्या था, सरसों के तेल का दाम क्या था, अब क्या है? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा यही सवाल है। ठीक है, एक मिनट। और रही बात ये कि ये जो मुद्दे उठाते हैं कि महंगाई महंगाई क्या, जो शिक्षा मित्र हमारे बैठे हैं उनका आंकड़ा देखा जाता है, कोरोना काल में जब जिला पंचायती का चुनाव हुआ था, ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय शिक्षा मित्रों को ड्यूटी करने के लिए भेजा था जिसमें 558 शिक्षा मित्रों की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। क्या उनका परिवार नहीं था? इस बात पे सवाल जवाब दे ही क्यों नहीं दे रही है? इस बात को तो दबा दिया गया, अब उन लगा इन सब जैसे होता है कोरोना काल में ज्यादातर शिक्षकों की नौकरी लगा दी गई थी। बहुत से लोगों ने मना भी करा था लेकिन उन्हें जबरदस्ती भेजा गया था। ये सरकार जब काम कर रही है क्या, जब वोटिंग हो रहा है वोटिंग काउंटिंग करने के लिए तो नहीं है ये, तो इसमें काम तो करो, सरकार पहले से ही होता रही है। हाँ, सरकार तो नया काम कर नहीं रही है और वोटिंग काउंटिंग अगर लग रहे हैं सरकारी कर्मचारी। अच्छा, इन्होंने सवाल किया था कि पहले प्राइस क्या था पेट्रोल का, पहले सरसों के तेल का प्राइस क्या था? जी आप बताएंगे। चलिए देखिए, महंगाई का नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह, बी ए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं महंगाई की बात है, महंगाई की आप फ्री का लेने का आदत है और कह रहे हैं महंगाई। देखिए कोविड कालों में फ्री राशन वितरण कार्यक्रम और इसके बाद टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। सुनिए देखिए, आप टैक्स देते हैं, ठीक है, टैक्स देते हैं लेकिन आपको देखिए कोविड का फ्री मिला, उसके बाद लैट्रिन, उसके बाद जो जलवा गैस योजना है, सब आवास, हर चीज आपको मुक्त लेने की आदत है। जब तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा यहाँ पे? सरकार भी भाई यही कह रही है, देखो सरकार का ये जो कह रहे हैं वही कह रही है कि मैंने उनसे भी सवाल किया था ये कि एक मिनट रफेल आ रहा है देश में, राशन दे रहे हैं, कोविड सुन तो लीजिए पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरा सवाल होने दीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। भाई रफेल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कोविड का टीका दे रहे हैं, इतनी सब चीज दे रहे हैं, तो ये कहाँ से लाएगी सरकार? घर से तो लाएगी नहीं। रफेल मुद्दे की है ये, रफेल नाम है दुर्गेश यादव नाम है हमारा, रफेल पे ये लोग घोटाला आपको पता होगा, 3 गुने दाम पे रफेल लगा रहे हैं, ले आ रहे हैं जो दो घोटाले पे तो सरकार गिरी है कांग्रेस की, 2G के रफेल के घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं था, CBI जांच होने के बाद पता चला हुआ ही नहीं था। रफेल घोटाले का तो आरोप कांग्रेस पे, कांग्रेस पे नहीं है, रफेल घोटाले का आरोप इन लोगों पे है। ये लोग 3 गुने दाम पे ले आए हैं, 2006 में जो डील हुई थी 495 करोड़ की, फिर ये लोग दोबारा 1695 करोड़ पे उसी चीज को ले आने का। एक मिनट थोड़ा सा। और ये लोग क्या कह रहे हैं, संबित पात्रा जी का एक बयान आया था कि जैसे ब्लैंक बॉटल होता है ना, बॉटल में पानी भरा जाता है, तो बॉटल के पानी का ये लोग 1695 करोड़ कर रहे हैं, इन द सेंस कि ये लोग रफेल का जो मिसाइल होता है उसको खरीद के 1695। मैं घोटाले पे लंबा चलेगा, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग था, मेरा क्वेश्चन ये अलग था कि इतनी चीजें सरकार ला रही है
तो वो सरकार ये भी सरकार कह रही, सरकार मतलब प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, मतलब उनके नेता हैं वो कह रहा है कि वो हम कहाँ से लाएंगे, वो महंगाई करेंगे तभी तो लाएंगे। आपसे पूछना चाहूँ 2008 में प्रधानमंत्री महंगाई करके लाएंगे, सरकार ये बातें करें, उनके कौन से नेता मनोज तिवारी का बयान सुन क्या कहे हैं, तिवारी ने कहा था इतनी सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो कहाँ से लाएंगे, ये नीचे से तो पूर्ति करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बयान है अभी। ये जो लोग कह रहे हैं कि टैक्स दे करके टैक्स दे रहे हैं महंगाई, ये सब नहीं होता, सरकार एक सिस्टम के तहत चलती है, लोग एक सिस्टम के तहत चलते, उसके तहत काम हो रहा है यहाँ पे। जो सस्ते हो जाएंगे क्योंकि प्रदेश में चुनाव है, इनके तेल सिर्फ प्रदेश में चुनाव नहीं रहता है तो तेल भी महंगा रहेगा, जहां चुनाव आएगा तो तेल भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे पता चला ना, अगर यहां उनकी सारे सरकारों का सारे सरकार में होता है, ठीक है, लेकिन तब ये इसलिए क्यों कह रहे हैं कि तेल का दाम ये बढ़ाते नहीं है, अपने आप बढ़ता है मार्केट प्राइस से, तो आखिर में आके चुनाव के समय कैसे कम हो जा रहा है। अगर आप काशी में आते हैं, आप मुझे आप कहाँ, लखनऊ के रहने वाले हैं ना, दिल्ली के रहने वाले, आप कैसे आए काशी में, किस रास्ते से? बाय रोड आए हूं। बाय रोड आए, इसके पहले कभी काशी आए थे? इससे पहले काशी आया था, बाय ट्रेन आया आए थे, बाय ट्रेन आया था, काफी पहले आए थे, काफी पहले आया था। अगर अब आए हैं बाय रोड या बाय रोड, आप इसके पहले काशी घूमे होंगे, पहले काशी में आपके काशी में कितना अंतर आपको अंतर है, बिल्कुल दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, काशी पूरी नई दिख रही, काशी लग रहा है कि काशी, काशी को अस्तित्व में बचाने वाली यही सरकार, काशी की असली पहचान कराने वाली यही सरकार है। और लोग जो बातें कर रहे हैं, कॉरिडोर बन गया है, राफेल की बात कर, राफेल में देश की सबसे बड़ी उच्च सदन लोकसभा, जो देश के उच्च सदन में जब इनके जब नेता जब विपक्ष के लोगों ने जब आया, सरकार ने पूरी लाके ब्यौरा दिया, एक एक डिटेल दिया, उस समय के जो रक्षा मंत्री थे पूरी एक एक डिटेल लाए, वित्त मंत्री जी, सरकार के जितने भी सरकार के लोग थे, सरकार के मंत्री, वो ला के दिखाए, विपक्ष उस समय नहीं बोली, उस समय क्यों विपक्ष शांत हो गया? बिल्कुल, ये क्यों शांत हो गया सरकार, ये सरकार एकदम एक एक चीजों में पारदर्शिता के साथ काम करी। तो काशी का कॉरिडोर बन चुका है, मैं उस पर एक सवाल ले लेता हूँ, कॉरिडोर बन चुका है, अब उद्घाटन में ख्याल से 13 तारीख को शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, तो कितना फायदा होगा काशी को? काशी को फायदा उससे, जो काशी की जो सांस्कृतिक, जो देश की पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी है, इस कॉरिडोर के बनने से काशी की अस्तित्व और बढ़ी, काशी गरिमा बढ़ी है, और लोगों का आप देखें काशी में पर्यटक स्थल का बड़ा केंद्र बन रहा पूरे विश्व, काशी में लोगों का आना जाना भी, और मतलब पर्यटन का काशी असली केंद्र बन बड़ा है, आंकड़ों में भी बड़ा है। देखिए काशी में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, बड़ी बड़ी रोजगार नहीं, लेकिन काशी में रोजगार का माध्यम क्या है, जो काशी में टूरिज्म है, घाट के किनारे आप जाएंगे वहां पे टूरिज्म आपको पर्यटक मिलेंगे, यही कहीं ना कहीं काशी के लोगों के लिए यही सबसे बड़ा रोजगार का साधन बन रहे हैं। अब कॉरिडोर बन रहा है, 80 नाला साफ हो गया, आप कहते हैं कि गंगा जी साफ एकदम कर देंगे, नमामि गंगे की प्रोजेक्ट आपने शुरू किए, लेकिन आप अभी भी चल जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, पहले की बात नहीं, बात किसने की साफ करने की, नमामि गंगे प्रोजेक्ट किसका था, भाषपा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, खुद का, आप उनसे पूछिए, नहीं आप, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल है, आपको उसका, आपको चेन समझ नहीं आया, आप यहाँ से लेके घाट चले जाइए, रोड से लेके कॉरिडोर से लेके जब मैदागिन से लेके दशाश्वमेध चौराहे तक रोड आती थी, उसका हालत पहले देखिए और अभी देखिए, चीजें धीरे धीरे होती है, एक दिन में कोई चीज कंप्लीट नहीं हो सकती। बोलिए, देखिए मैं 80 नाले की बात कर रहा हूँ, मैं गंगा जी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट, मेरा सवाल तो, मेरी बात सुन लीजिए, जो कही थी एक, अगर 2019 या 2020 तक अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी, कहाँ पे है, अच्छा कोविड के वजह से सरकार, हाँ और तेजी से, ठीक है मैं एक बात बोल देता हूँ, एक मिनट में एक बात बोल, अभी लोग गए हैं, जो लोग बता रहे हैं गंगा जी अभी गए हैं कुछ दिन पहले, गंगा जी गए हैं कि नहीं उनसे ये पूछिए, पहले गंगा जी पहले से साफ हुई हैं कि नहीं ये पूछिए, आप अगर गए हैं तो बताएंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या हो गया, गंगा जी में एक एक नहीं जमी, अब जब रही, मेरी बात सुन, ठीक है ठीक है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, देखिए मैं हर बार एक वीडियो में बात करता हूँ, मैं बाय रोड इसीलिए यूपी ट्रैवल कर रहा हूँ कि हम जान सके कि जो सरकार कह रही है वो कितना सत्य है। मैं लखनऊ तक आया, गोरखपुर तक आया, मैंने हर बार बोला कि हाँ रोड बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखिए किसने बनवाया मेरा वो मैटर नहीं है, किस सरकार में बनाया उसको क्रेडिट मिलता है। मायावती के बहुत सारे काम अखिलेश यादव ने बिल्कुल करे थे ना, ठीक है, नहीं है कि नहीं करे, यादव ने बनवाया, इन्होंने फीता काटा है, योगी जब यही तो कह रहा हूँ, आपको पता है, आपको पता है सपा बसपा की राजनीति पता है क्या करते हैं लोग, एक दूसरे का जो योजना रहता है सपा उसको मतलब हटा के अपना नया योजना लाते हैं। सुनिए जब
यूपीपी की भर्ती थी हाँ सपा की नहीं तो उस पर टैग लगाए। अच्छा सुनिए, कोई भी वैकेंसी आती है तो टैग लगता है उस पर कि ये वैकेंसी नहीं। ये बात सत्य है, बहुत सारे नहीं, मेरी बात सुनिए एक मिनट में सवाल मैं दे देता हूँ जवाब। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे काम ऐसे थे, बहुत सारे काम अखिलेश यादव के ऐसे थे जो मायावती के काम थे, उन्होंने कंप्लीट करके फूते काटे। कहने के लिए जब कहा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो कहे थे कि जो नरेगा है मनरेगा वो एकदम निठल्ली योजना है, और कोविड के समय उन्होंने नरेगा के तहत ही लोगों को जॉब दिया, लोगों को रोजगार कराएंगे। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री खुले मन से नहीं कहते हैं क्या ये 15 लाख लेके हम भर्ती कराएंगे? सपा की सरकार थी तो खुले मन से कहा जा रहा था, कहा गया था। अच्छा मेरा सवाल अधूरा रह गया, मेरा एक मिनट सुन लीजिए, सारे सुन लीजिए, सरकार में तो नौकरी ही नहीं है तो खुले एक बार सुन लीजिए मेरा सवाल सबसे। देखिए वैकेंसी, अरे तो बताइए, आप लोग सुन ही नहीं रहे।